नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चीन की सेना ने फिर की लद्दाख में घुसपैठ। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिक दो बार एक दूसरे के सामने आ गए। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार चीनी सैनिक ओल्ड पेट्रोल पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश के तहत 20 मार्च और 28 मार्च को बुरतसे और देपसांग क्षेत्रों में आ गए थे। ओल्ड पेट्रोल पॉइंट भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित अंतिम अड्डा है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अप्रैल 2013 में तंबू लगा दिए थे, जिसके 3 सप्ताह तक दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहा था। जनता परिवार का विलय तय, बस ऐलान बाकी। जनता दल के विलय की कोशिशें तेज हो गई है। विलय को लेकर दिल्ली में जहां मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार ने मुलाकात की, वहीं बिहार में लालू की पार्टी राजद ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विलय का फैसला ले लिया। हालांकि जनता परिवार के नए नाम की अभी घोषणा नहीं की गई है। इस फैसले की औपचारिक घोषणा मुलायम सिंह यादव करेंगे। अब देखना यह है कि यह विलय मोदी और भाजपा के लिए क्या कठिनाइयां पेश करने वाला है। वीआईपी कल्चर अपना रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेता वीआईपी कल्चर का हमेशा से विरोध करते आए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए रविवार को जारी किए गए हेल्पलाइन के कार्यक्रम में प्रवेश के लिए लगे बोर्ड उनके दावों की पोल खोलने के लिए काफी थे। इन पोस्टर्स में वीआईपी और वीवीआईपी के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजे बनाए गए थे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर इन तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा है कि 50 दिनों में आप आम से वीआईपी पार्टी बन गई है। उन्होंने लिखा कि वह दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने वीआईपी और वीवीआईपी के प्रवेश के लिए बने द्वार को देखा। इससे पता चला कि आम आदमी पार्टी अब वीआईपी पार्टी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के दौरान इस कल्चर को खत्म करने का वादा किया था। वैसे आम आदमी पार्टी अब खास लोगों की पार्टी ही बन गई है। कुछ तो कहते हैं कि अब यह सिर्फ एक व्यक्ति की ही पार्टी बनकर रह गई है।